गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को वापस से रिवाइज करेंगे। ये आपकी रिवीजन क्लास है। चैप्टर फर्स्ट, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड कहाँ से आता है। आज इस चैप्टर में भी समरी देखेंगे और उसकी क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करेंगे। देयर इज सो मच वेराइटी इन द फूड व्हाट वी ईट। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें फूड की काफी सारी वेराइटी होती है। वी नीड डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स टू प्रिपेयर फूड आइटम्स। हमें जरूरत पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स की और डिफरेंट डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स की टू प्रिपेयर फूड आइटम्स। फूड आइटम्स को बनाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स की जरूरत पड़ती है। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इन्ग्रीडियंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, विल प्रोटेक्ट मीट एंड एग्स। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स जो होते हैं वो किसका सोर्स होता है? फूड का सोर्स होते हैं प्लांट। ठीक है, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रीडियंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स जो होते हैं इन सब फूड इंग्रीडियंट्स के सोर्सेज कौन होते हैं? प्लांट होते हैं। ठीक है, एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड एग। एनिमल जो है वो प्रोवाइड करते हैं हमें मिल्क प्रोडक्ट, मीट और एग। ठीक है, एनिमल हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क प्रोडक्ट, मीट और एग। तो इस तरीके से प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं वो हमारा मेन सोर्स होता है फूड का। ठीक है, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड। प्लांट्स जो होते हैं फूड का सोर्स होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं वो भी फूड का सोर्स होते हैं। ठीक है, सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल प्लांट्स पार्ट। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके पास दो या दो से ज्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ क्या होते हैं? कुछ प्लांट्स होते हैं ऐसे जिनके पास दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं? एडिबल पार्ट्स होते हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस। बीज जो होती है वो कलेक्ट करती है नेक्टर को फ्रॉम फ्लावर और कन्वर्ट कर देती है इसको हनी में। बी होती है वो क्या करती है? इसको कन्वर्ट कर देती है हनी में। ठीक है, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स। और उनको कहाँ करती है? अपने हाइव में स्टोर कर रखती है। वी कलेक्ट द फूड स्टोरेड बाय बीज एंड हनी। हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं? हम कलेक्ट करते हैं फूड को जो हनी की फॉर्म में, जो फूड कलेक्ट करती है बीज उनको हम हनी की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि प्लांट जो है वो भी मेन सोर्स है फूड का और जो एनिमल्स होते हैं वो भी मेन सोर्स होते हैं फूड का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एनिमल्स ईट, एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ठीक है, वो एनिमल जो खाते हैं उसके बेसिस पे एनिमल को चार ग्रुप में डिवाइड किया गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस में इनको डिवाइड किया गया है। देयर आर मेनी अमंग अस हू डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन। वी नीड टू फाइंड, हमें जरूरत है फाइंड करने की बाय विच, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फूड जो है प्रोड्यूस किया जा सके और ये जो फूड है वो इजीली बनाया जा सके और एक दूसरे तक अवेलेबल हो सके। अब इस चैप्टर में हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है न्यूट्रिएंट्स की। सबसे पहली डेफिनेशन है न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ एंड फॉर ग्रोथ। सम इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आर विटामिन, मिनरल, प्रोटीन एंड फैट। एक सब्सटेंस जो हमें जिंदा रहने के लिए एक प्रॉपर अमाउंट में मेंटेन करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ के लिए प्रोवाइड कराता है नरिशमेंट, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। सम इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन एंड फैट। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और फैट। ठीक है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए और एक बैलेंस्ड डाइट के लिए जो प्रॉपर अमाउंट में जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन है जो कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो आपको ये लिखना है।
इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए डिश और फूड, जो रॉ मटेरियल होता है जो रिक्वायर होता है डिश और फूड को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। एडिबल क्या होता है? एडिबल पार्ट ऑफ फ्लावर और प्लांट और ओव्यूल आर कॉल्ड एडिबल। एडिबल पार्ट जो होता है फ्लावर का या प्लांट का उसको क्या कहा जाता है? एडिबल पार्ट ऑफ फ्लावर और प्लांट और ओव्यूल आर कॉल्ड एडिबल, ठीक है। जो प्लांट का जो एडिबल पार्ट होता है उसको कहते हैं एडिबल पार्ट, जो खाने वाला पार्ट होता है। नेक्टर क्या होता है? द जूस प्रोड्यूस्ड बाय सम फ्लावर्स आर कॉल्ड नेक्टर। जूस जो कि कुछ फ्लावर्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है नेक्टर, ठीक है। जो कुछ वो होते हैं फ्लावर्स उनके बाद वो प्रोड्यूस करते हैं उनको कहा जाता है नेक्टर। हनी क्या होती है? इट इज अ स्वीट सब्सटेंस फाउंड इन बी हाइव। इट इज अ स्वीट सब्सटेंस, कुछ जो स्वीट सब्सटेंस होता है जो कि बी में मिलता है हमको, बी हाइव में मिलता है। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर, हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं, काम पे हनी में कन्वर्ट कर देते हैं। इट इज अ स्वीट सब्सटेंस, हनी जो होता है बहुत ही मीठा सब्सटेंस होता है जो बी हाइव में मिलता है, और ये जो होती है हनी बीज होती है इसको कलेक्ट करती है नेक्टर से फ्लावर से, इसको किस में कन्वर्ट कर देती है? हनी में। और हमको किस फॉर्म में मिलता है? हनी की फॉर्म में। स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं? द रेडिकल विच ग्रोज आउट, जो बाहर की तरफ निकलते हैं व्हेन द सीड्स आर सोक्ड इन द वाटर, जब सीड्स को कहाँ सोक किया जाता है? वाटर में। दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, इसको बोला जाता है इनिशियल स्टेज, इसको जर्मिनेशन की इनिशियल स्टेज बोला जाता है। हर्बीवोरस क्या होते हैं? हर्बीवोरस वो एनिमल होते हैं विच ईट ग्रीन प्लांट और पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीफ फ्लावर फ्रूट इत्यादि, जो कि लीफ फ्लावर फ्रूट जैसे जो ग्रीन पार्ट होते हैं केवल उनको खाते हैं वो होते हैं हर्बीवोरस। कार्निवोरस, कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कार्निवोर होते हैं, ओनली फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको कार्निवोर कहा जाता है, जो कि सीधा एनिमल्स पर अटैक करते हैं और उनको खाते हैं, जैसे लॉयन और टाइगर जो है वो कार्निवोरस के उसमें आते हैं कैटेगरी में। ओमनीवोरस क्या होते हैं? एनिमल्स विच ईट बोथ फ्लैश एंड ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, एनिमल्स जो खाते हैं बोथ फ्लैश एंड ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, फ्लैश और ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का उसको खाते हैं उनको कहा जाता है ओमनीवोरस। फॉर एग्जाम्पल होमिंग बी, जो कि फ्लैश पार्ट भी खाते हैं और ग्रीन पार्ट भी खाते हैं, दोनों खाते हैं, जो कि नॉन वेज भी होते हैं और नॉन, जो कि वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, फ्लैश और ग्रीन पार्ट दोनों को खाते हैं, उनको कहा जाता है ओमनीवोरस। इसमें हमारे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सारे के सारे ओमनीवोरस में काउंट होते हैं। आगे देखो स्कैवेंजर्स जो होते हैं, द एनिमल्स दैट हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट बाय ईटिंग फ्लैश और डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स लाइक वल्चर, ठीक है। द एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं दैट हेल्प इन द क्लीनिंग, दैट हेल्प इन द क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प अपनी भूमिका निभाते हैं बाय ईटिंग फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स लाइक, एग्जाम्पल आई विस्ट वल्चर, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं द क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, द क्लीनिंग द एनवायरनमेंट बाय ईटिंग फ्लैश और डेड एनिमल्स, ठीक है। जो फ्लैश और जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको खा करके जो एनिमल्स जो होते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, जैसे वल्चर जो होते हैं वो सारे के सारे स्केवेंजर्स में आते हैं। तो ये जो अपना चैप्टर है इसकी मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशन करवा दी। अब आप इस चैप्टर को रिवाइज करोगे और आपको इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन जो मैं PDF में सेंड कर दूंगी आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। थैंक यू।